जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती 2024 की, जिसके लिए आवेदन अब ले लिए जा चुके हैं। 6 मार्च तक इसका अंतिम तिथि था और जितने भी आवेदन करने थे सभी अभ्यर्थियों ने कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अपडेट्स की मैं बात करने वाला हूँ। पहला अपडेट अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, आपके स्क्रीन में फ्लैश होगा कि आरक्षक के 6000 पदों के लिए 7 लाख आवेदन, मतलब कि एक पद के लिए 117 दावेदार है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रमुख विषय होने वाला है बात करने का, आवेदन कितने हैं 7 लाख, लगभग 7 लाख आवेदन। ये आज की खबर दैनिक भास्कर के अखबार से बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी खबर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 6000 पद है लगभग उसके लिए 7 लाख आवेदन आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ से इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके दो प्रमुख कारण नजर आ रहे हैं कि पहली बात यह है कि 2017-18 के बाद, 2017 और 18 के बाद काफी समय के बाद, लगभग 5 से 6 साल हो गए, पहली बार जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जा रही है। पहले क्या होता था, हर साल बीच बीच में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, तो अभी काफी समय के बाद ये लिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा प्रमुख कारण ये है, जो एक अभ्यर्थी है, अगर मैं किसी एक अभ्यर्थी की बात करूं जो इसमें आवेदन किया है, तो वो अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट है, तो एक एक अभ्यर्थी जो है वो कम से कम 2 से 3 जिलों में आवेदन किया है। ठीक है, तो जहां पे 2 लाख आवेदन आने चाहिए थे मेरे हिसाब से एक अभ्यर्थी अगर गिना जाएगा, तो ऑलरेडी वहां पे 6 लाख 7 लाख आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन क्या है, जो अभ्यर्थी है वो अपने अपने जिले के हिसाब से किस जिले में पदों की संख्या ज्यादा है, SC ST में कितनी कितनी पोस्ट है, OBC में कितनी कितनी पोस्ट है, तो ये सब का कैलकुलेशन करके एक अभ्यर्थी जो है वो छत्तीसगढ़ में 2 जिले से, कोई 3 जिले से, कोई 4 जिले से भी आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है, 7 लाख आवेदन आना। ठीक है, अब 7 लाख आवेदन आ चुका है और सब अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी करने में जुट चुके हैं कि कब इसका फिजिकल होगा और हम लोग उसके बाद अगले चरण पे चयनित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जो डिटेल बताया था कि सबसे पहले जो आपका ये चरण होगा उसमें आपके जो आवेदन हुए हैं, ठीक है, आवेदन की तो जांच होगी ही होगी, गलत है या सही है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है दस्तावेज। ठीक है, पिछले बार जो SI की भर्ती परीक्षा हुई थी, ठीक है, मतलब अगर पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करूं तो इसके पहले जस्ट SI ही हुआ है, उसका भी तो रिजल्ट नहीं आया है, 5-6 साल से लगभग ऊपर हो चुके हैं, तो दस्तावेज में भी काफी लोग वहां पे छट गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनका 21 वर्ष ही पूरा नहीं हुआ था और वो लोग आवेदन कर दिए थे। तो दस्तावेज में जो आपका 10वीं का है, आधार कार्ड वगैरह है, उसको बहुत सही रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आप 3-4 महीने फिजिकल कर रहे हैं और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो वहीं पर आप छट गए। तो अभी भी बहुत मौका है, जिसके पास दस्तावेज में कुछ भी कमी है उसको कंप्लीट करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि पहला ही चरण है, ना आपको फिजिकल में मौका मिलेगा ना ही कुछ होगा, तो दस्तावेज से आपको रिजेक्ट नहीं होना है। ठीक है, डिटेल वीडियो जो मैंने बताया था उसमें सारी चीजें मैंने बता दी थी, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। दस्तावेज करने के बाद आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट जब किया जाएगा तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया। ठीक है, टेंडर जारी कर दिया गया, मतलब कि टेंडर किसके लिए, टेंडर जो इक्विपमेंट लगते हैं हाइट और चेस्ट मेजरमेंट करने के लिए, तो 14/3/2024 से 8/4 तक ये आपके लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बस एक जानकारी है। ठीक है, टेंडर जो जारी किया गया है वो 14/3 से किया गया है, 14 मार्च स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग जो है 8/4 तक। ठीक है, 8/4 तक, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो कंपनियां हैं जो इक्विपमेंट गवर्नमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाएंगी वो लोग टेंडर डालेंगी हाइट मेजरमेंट करने के लिए, चेस्ट मेजरमेंट करने के लिए, और जो रनिंग वगैरह होता है उसके लिए मेजरमेंट करने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, तो उसको देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और टेंडर जो है 31/12/24 तक वैलिड रहेगा, ये आगे जब भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके बाद अप्रैल में चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगेगी मई में और सब रिजल्ट वगैरह आएंगे, तो अप्रैल मई तो छोड़ दीजिए, जून जुलाई में, या जून हो सकता है जुलाई, तो जैसी जैसी उम्मीद लग रही है टेंडर तुरंत जारी कर दिए गए, जैसी फॉर्म देने के बाद कितने फॉर्म की संख्या है उसके हिसाब से टेंडर बना करके, तो जून या जुलाई तक आप लोग का फिजिकल होने की संभावना है। ठीक है, अब फिजिकल होने पे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, टेंडर जो है यहाँ पे 1500 मीटर की दौड़ के लिए भी जारी किया गया है, 3 प्रकार की आप लोग की रेस यहाँ पे टेंडर में लिखा गया है कि कितने इक्विपमेंट चाहिए, किन इवेंट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो रेस है 100 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर। ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट है, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट के ब्रैकेट में 1 अटेम्प्ट लिखा हुआ है, मतलब केवल एक प्रयास लिखा गया है, इससे पहले जो भी भर्ती होती थी वहां ब्रैकेट में 3 प्रयास लिख करके आता था। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, और रेस 1500 मीटर के बारे में बात करता है, तो ये सभी अभ्यर्थियों को 1500 मीटर की रेस नहीं देना। ठीक है, जो एक 1500 मीटर वहां पे रेस में लिखा हुआ है वो केवल जो है ट्रेड के अभ्यर्थी देंगे, जो ट्रेड में डाले होंगे ना, चालक में डाले हैं या ड्राइवर में डाले हैं या कुक में डाले हैं, कोई लोग हैं जो ट्रेड में डाले हैं
उनको ये क्वालिफाइंग रेस 1500 मीटर की रहने वाली है, ठीक है। तो और बाकी इसमें उतना कुछ खास नहीं है। तो होप सो मैं आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी इसमें अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, काफी अच्छे पोस्ट है, और फिजिकल के साथ साथ जो भी समय मिलता है आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में जरूर देना है। या आप मान के चलिए आपको लगभग टारगेट लेके चलना है 75+75 का, ठीक है। इतने नंबर अगर आपको फिजिकल में आते हैं तो इतने नंबर रिटर्न में आने चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि जितनी मैंने फिजिकल के लिए तैयारी करी है उतनी ही मैंने रिटर्न की तैयारी करी है। अगर आप इसमें नंबर बढ़ा सकते हैं जैसे आपको फिजिकल स्ट्रांग है, तो इसमें अगर थोड़ा घट भी जाएंगे नंबर तो चलेगा। जनरली ऐसा होता है जो फिजिकल में बहुत अच्छा होता है वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो सकता है, या पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा अच्छा मन लगता है तो हो सकता है उसका फिजिकल थोड़ा सा कमजोर हो जाए। कुल मिलाकर के आपको 150 का टारगेट लेके चलिए। पिछले बार भी 135-140 के आसपास कट ऑफ कांस्टेबल की भर्ती में गया था, ठीक है। अलग अलग जिले का पोस्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई कट ऑफ लेके चलेंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा। बाद में कुछ कम होता है कट ऑफ, तो ये अच्छा है, अच्छे नंबर से सिलेक्ट होना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी समय मिले उसको फिजिकल के बाद और रिटर्न में जरूर लगाइए। और रिटर्न में अगर समय नहीं मिल पा रहा फिर भी तैयारी करने का, तो कम से कम करंट अफेयर पढ़ते जाइए। करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली अखबार में क्या क्या खबरें प्रकाशित हो रही हैं। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट वगैरह भी खत्म हुए हैं, तो सब इवेंट को भी देखते जाइए, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी कॉन्स्टेबल भर्ती के संबंध में। आने वाले वीडियो में और अपडेट आप सभी लोग के लेके आऊंगा, और आप सभी लोग हमसे जुड़ते हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस सब वीडियो के लिए मुझे, तो ये सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।